अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पीएम मोदी के खिलाफ मोदी विरोध की टूलकिट तैयार कर रहे हैं, तो पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचने से पहले ही खालिस्तानियों की कब्र तैयार कर दी। एनएसए चीफ अजीत डोभाल लगातार यूरोप और अमेरिका में पनप रहे खालिस्तानी आंदोलन का सर कुचलने की योजना तैयार कर रहे थे। कूटनीतिक तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से खालिस्तानियों के खात्मे का प्लान तैयार कर रहे थे कि अचानक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही शुरू हो गया खालिस्तानियों का खात्मा। खालिस्तानी आतंकी अवतार खांडा का हो गया दाइंड, हरदीप सिंह निज्जर का हुआ खात्मा, अब पन्नू को पकड़ने का प्लान तैयार, रडार पर है पूरा खालिस्तानी नेटवर्क। पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर जा रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। पीएम मोदी विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद दुनिया के तीसरे ऐसे विशिष्ट शख्सियत बनने जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को दो बार संबोधित किया है। पीएम के अमेरिका दौरे से पहले देश के गद्दारों में खलबली मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले ही यूरोप और अमेरिका में पैर पसारता जा रहा खालिस्तानी नेक्सस अब अचानक सिमटने लगा है। अचानक कई खालिस्तानी आतंकी ठिकाने लगा दिए गए हैं। खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएम का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। निज्जर कनाडा में बैठकर खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहा था। इससे पहले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हैंडलर का खासम खास अवतार सिंह खांडा की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। दरअसल ये वही अवतार सिंह खांडा है जिसके ऊपर ब्रिटेन उच्चायोग में भारतीय झंडा गिराने का आरोप था और इसे गिरफ्तार किया गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अवतार सिंह खांडा के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। हरदीप सिंह निज्जर पिछले कई सालों से कनाडा में रह रहा था, वहीं से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। भारत सरकार ने निज्जर को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। निज्जर का नाम भारत के 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में शामिल था। पिछले एक साल से निज्जर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था, लेकिन आखिरकार उसका खात्मा हो गया। कुछ इसी तरह अवतार सिंह खांडा, जो सिख युवकों को फिदायीन बनाता था, आईडी से निपटने की ट्रेनिंग देता था, उसकी भी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। अब भारतीय जांच एजेंसियों के निशाने पर सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपवंत सिंह पन्नू है। पन्नू एजेंसियों के निशाने पर है। ब्रिटेन के उच्चायोग में हुए हमले की जांच एनआईए कर रही है और अभी कुछ दिन पहले ही एनआईए की टीम ब्रिटेन पहुंची थी। भारत कूटनीतिक तरीके से खालिस्तान आतंकवाद से निपट रहा है और यही वजह है कि इन आतंकी समूहों का मुद्दा कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका के समक्ष भारत सरकार ने उठाया भी है। उसके बाद से धीरे धीरे करके खालिस्तानी आतंकियों का सफाया होता जा रहा है। 23 मार्च को पंजाब के मोगा जिले में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी होती है। इससे पहले मई महीने में पाकिस्तान में 63 वर्षीय खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या की खबर सामने आती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय मोदी विरोध का टूलकिट तैयार करने में जुटे हैं खालिस्तानी आतंकी। इससे पहले अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान भी खालिस्तानी समर्थकों ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन पीएम के खिलाफ साजिश रचने से पहले ही भारतीय एजेंसियों ने खालिस्तानियों को समेटने का प्लान तैयार कर लिया है। अब सबसे प्राइम टारगेट में है पन्नू, उसे पकड़ने के लिए एजेंसियां तैयारियों में जुटी हैं। पन्नू के गिरफ्त में आते ही खालिस्तानी आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। शायद यही है इंडिया के सुपर पावर प्राइम मिनिस्टर की ताकत, जिनके पहुंचने से पहले ही खालिस्तानियों का सफाया हो गया। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।